वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर ओप्पो F19s का गिव अवे लाइव है, जिसका रिजल्ट 40,000 सब्सक्राइबर पे बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर आप नए हो और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया के अंदर मोटो ने काफी अच्छा काम किया है, G31, G51। इसी के साथ में मोटो अपना एक नया स्मार्टफोन इंडिया के अंदर नए साल के जनवरी के फर्स्ट वीक में लॉन्च करने वाला है, G71 5G। ये स्मार्टफोन दोस्तों 18,000 के अंदर एक 5G के साथ साथ आपको काफी अच्छे फीचर्स यहाँ पे दे पाएगा। तो नए साल पर आप एक स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको रुकना चाहिए या फिर नहीं रुकना चाहिए, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हालांकि ये लॉन्च होगा जनवरी में, लेकिन फिर भी बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, हर एक चीज की जानकारी हमारे पास में आ चुकी है। तो आज कंप्लीट जानकारी मोटो G71 5G के बारे में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कंपैरिजन, गिव अवे, ये सब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों, वीडियो का लाइक टारगेट हम सेट करते हैं 500 लाइक्स का। वीडियो को पूरा देखिए, लगता है कि हाँ वीडियो मजेदार है, इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले बात की जाती है बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी के अंदर मोटोरोला ने ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। प्लास्टिक का ही फ्रेम है, प्लास्टिक का ही बैक है, रियर माउंटेड आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, फोन थोड़ा सा यहां पे हैंडी होने वाला है, मैं कहूंगा कि एक डिसेंट क्वालिटी है। देखने के अंदर जो डिजाइन है दोस्तों, G51 की तरह ही आपको मिलने वाली है। लेकिन हां, यहां पर जो कॉस्ट कटिंग है ना, वो बिल्ड क्वालिटी में जरूर की है, लेकिन आगे वाले सभी फीचर्स आपको यहां पे मजेदार मिलते हैं, क्योंकि डिस्प्ले आपको मिलने वाली है 6.4 इंच की, फुल HD प्लस AMOLED का पैनल है, 60Hz की यहाँ पे रिफ्रेश रेट है, HDR10 का भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है, 240Hz की आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। देखिए दोस्तों, हमने आज तक ये देखा है ना कि जितने भी 5G स्मार्टफोन है बजट के अंदर 15,000 से 20,000 की रेंज के अंदर, यहां पर 5G देने के चक्कर में कॉस्ट कटिंग कर देते हैं डिस्प्ले के अंदर, और यहां पर है ना आपको AMOLED मिलता है 18,000 रुपए की रेंज के अंदर, AMOLED और 5G। तो मेरे हिसाब से मोटो का ये स्मार्टफोन काफी बेहतर फीचर्स के साथ में आ रहा है। मेरा काफी ये कह कि हाँ, एक इंतजार वाली बात है। प्रोसेसर की बात की जाए, गेमिंग, परफॉर्मेंस, वीडियो एडिटिंग, ये सब कुछ कैसी हो पाएगी, यहाँ पर एक नया प्रोसेसर है दोस्तों, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695, एक 5G प्रोसेसर है, 6nm फैब्रिकेशन पे आधारित है, यानी कि एनर्जी इफिशियंट है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा, पावर को इतना ज़्यादा कंजप्ट नहीं होने देगा। LPDDR4X रैम मिलने वाली है, UFS 2.2 मिलने वाला है, और यहाँ पर दोस्तों मोटरोला का नीट एंड क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड आपकी सहायता करने वाला है। फ़ोन काफ़ी आपको है ना एक क्लीन एक्सपीरियंस देगा, और ये काफ़ी अच्छी बात है। कोई ऐड नहीं है, कोई ब्लॉटवेयर नहीं है, और यहाँ पर दोस्तों 5G नाम मात्र नहीं है, यहाँ पर आपको 12-13 5G बैंड मिलने वाले हैं, जो कि स्मार्टफोन को एक ट्रू 5G बनाते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं ना 5-6 5G बैंड दे दिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको 12-13 5G बैंड मिलने वाले हैं। एड्रीनो 619 का आपको यहाँ पे GPU मिलेगा, जो कि आपके गेमिंग को, वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग वगैरह को काफ़ी आसान बनाएगा, ये है दोस्तों। और 2.2 GHz तक मैक्सिमम यहाँ पे क्लॉक स्पीड निकल के आती है 695 की। तो ये प्रोसेसर मेरे हिसाब से काफ़ी मज़ेदार है, लेकिन हाँ, नया प्रोसेसर है, आने के बाद में पता चलेगा कि एक्चुअल क्वालिटी हमें कैसी दे पा रहा है। कैमरा की बात की जाए, 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी सेंसर है, बिल्कुल मोटो G51 की तरह ही आपको यहाँ पर कैमरा सेंसर मिलने वाले हैं, 50 का प्राइमरी, 8 का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड है, जो कि डेप्थ का काम भी साथ में कर देगा। ट्रिपल कैमरा विद क्वाड ऑपरेशन, ये है मोटो की सारी कहानी। 2 मेगापिक्सल्स का आपको मैक्रो सेंसर मिलता है, 16 का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आप 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दोनों में ही नहीं मिल पाएगा, फ्रंट में भी और रियर में भी। एक और चीज, 50 मेगापिक्सल्स का जो मेन सेंसर है, यहाँ पर आपको EIS इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिलता है, लेकिन OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन इसका सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर आप फुल HD पे 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और दोस्तों, मोटरोला जो है ना, मैंने आपको G51 की वीडियो दी थी, मोटरोला अपने जो कैमरा है उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता आया है, और आगे आने वाले टाइम में G71 में और हद तक यहाँ पे इम्प्रूव कर देगा। यहाँ पे दोस्तों आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, 33W की चार्जिंग मिलती है। वैसे देखा जाए ना तो 6nm का आधारित एक प्रोसेसर है, जो कि वैसे ही है ना आपकी बैटरी को इतना ज़्यादा खर्च नहीं होने देगा। AMOLED है, 60Hz है, उसके बावजूद आपको यहाँ पे एक बड़ी बैटरी मिलती है।
डेढ़ दिन बड़े आराम से आपकी बैटरी चली जाएगी एक ठीक ठाक यूजर्स के अंदर, हैवी यूजर्स के अंदर। लेकिन अगर आप उससे भी हैवी ड्राइवर हैं तो 33 जो वॉट है उसका आपको चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम, काफ़ी एक डिसेंट पैकेजिंग दी है यहाँ पर मोटो ने G71 के अंदर। प्राइस सेगमेंट की बात की जाए तो प्राइस सेगमेंट जो है दोस्तों वेरियंट्स के आने पर है, लेकिन स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पर आने वाली है 18,000 रुपये की। ओह माय गॉड, 18,000 रुपये के अंदर आपको एक डिसेंट क्वालिटी 60Hz एमोलेड है ना, स्नैपड्रैगन 695, कैमरा क्वालिटी अच्छी है, बैटरी अच्छी है, और सबसे अच्छी बात एमोलेड के साथ में 5G और 12-13 बैंड मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना मोटो का G71, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पीट करने वाला है बजट स्मार्टफोन जो आते हैं ना 18 से 20 के अंदर, 5G, ये स्मार्टफोन होगा जो कि एक ट्रू 5G एक्सपीरियंस यहाँ पे लेके आता है। तो दोस्तों ये है कंप्लीट जानकारी मोटोरोला G71 के बारे में। अगर आपका अभी भी कोई सवाल, सुझाव, फीडबैक रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। आपको दोस्तों मोटो का G71 की जो स्पेक्स है वो कैसी लगी, हालांकि जब फोन आएगा तब इसके बारे में अलग इंडिविजुअल बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको स्पेक्स के बारे में स्मार्टफोन कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो दोस्तों आपने यहां तक देखी है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।